अब्दुल मजीद कॉलस जमरा का रहने वाला हूँ। बच्चे मेरे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन मसला ये है यहाँ पर आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जिसकी आज छुट्टी मनाई जाती है। कल बैसाखी थी, कल छुट्टी थी, लेकिन हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज बच्चे 11 बजे मेरे घर में पहुँचे, बोला हमें छुट्टी है स्कूल में। मैं वहाँ उठा, यहाँ पर आया, यहाँ में सचमुच क्या है, ताला लगा हुआ है स्कूल को। यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर स्कूल बंद है। और हर रोज़ ऐसा ही होता है यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों की किताबें गुम, यहाँ पर बच्चों के जौलने गुम, यहाँ पर बच्चों की यहाँ तक वर्दी गुम। वर्दी तक मास्टरों को ध्यान नहीं है, ये वर्दी इनकी कहाँ गई। और यहाँ की राशन, बच्चे घर में जाकर खाना खाते हैं और उनकी राशन कहाँ स्कूल की आती है, वो कहाँ है, इसका जवाब हमें मास्टर दे। शिव साहब के साथ बात की हमने, किसी मास्टर के साथ बात नहीं की हमने, शिव साहब के साथ बात की। शिव साहब ने कहा मैं ZU को भेज रहा हूँ, और ZU को मैंने कॉल लगाई, ZU मेरा फोन नहीं उठा रहा। हर बार हो रहा है, हर बार तकरीबन 2 साल से ये हालात में इनकी देख रहा हूँ, 2 साल से। लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर क्या है, स्कूल बंद है, बच्चे क्या राशन नहीं आ रही, पीछे से नहीं आ रही। ठीक है, पीछे से नहीं आ रही, हमें रिटर्न में दे, हम आगे बात करें शिव से, राशन क्यों नहीं है। हम उसको दर गुजर कर रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, परसों नहीं नरसों आएगी। लेकिन यहाँ तक नौबत पहुँच गई, आज स्कूल को ताला लग गया। बस शिव साहब के पास टीचर नहीं है स्कूल को, प्लीज 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 रिक्वेस्ट करते हैं हम, स्कूल को बंद कीजिए, इस स्कूल की हमें कोई जरूरत नहीं है। जिस स्कूल के अंदर बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, बच्चों की परिवार खराब हो रहा है, उस स्कूल, वो स्कूल ही हमें नहीं चाहिए क्या? उस स्कूल को बंद कीजिए प्लीज। अगर यहां तक हमारा फैसला नहीं होगा तो हमें मजबूर मत करो DC साहब के पास जाने पर। मैं तैयार था DC साहब के पास जाने पर, मुझे इन भाइयों ने रोका, बोला नहीं पहले रुको, पहले हम बात करते हैं यहां से, अगर ये हाल हो जाता है हमारा मामला ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम जाएंगे DC साहब के पास। हमारी रिक्वेस्ट ये है, ये न्यूज हमारी DC साहब तक पहुंचे और DC साहब इस न्यूज के ऊपर गौर करें, क्योंकि हमारी जिंदगी खराब ना हो आगे। प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप पहुंचाने वाले आप हो, आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ये DC साहब तक पहुंचाओ। ठीक है, ये गरीब क्या करेगा, ये मजदूरी कर रहा है, 500 दिन का मिल रहा है, ये अपने बच्चे को क्या पढ़ाएगा? इस वक्त बोलते हैं स्कूल को, इनको दफा करो, इन टीचरों को सर यहाँ से, इन प्लीज हमारी रिक्वेस्ट, इन टीचरों को यहाँ से दफा करो। मैंने दफा किया था इसी वजह से, जहाँ तक पहुँचाओगे वहाँ तक हम आपके साथ हैं। मुझे रिपोर्ट दे दो, मुझे रिपोर्ट दे दो ना, क्यों नहीं खाना मिलेगा? कोई बात नहीं, कभी नहीं, आप चावल देते हैं, सारा कुछ देते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, ये तो यहाँ वहाँ से टीचर भेजकर यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर ये टीचर कहाँ से आ गए? तारिक साहब किस दिन भेजा? नहीं, हमेशा से तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा इस तरह से रहते होंगे, लेकिन आज जो है एक टीचर जो है वो BLO की ड्यूटी पे चला गया था, दूसरा कहीं बता रहे हैं बीमार है, लेकिन हमारे पास को अनऑथराइज्ड फिलहाल बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी कोई लीव किसी जगह से सेंक्शन नहीं हुई है। तो उसके बाद भी हमने लोग निजी सतह पर PCUs को ऑथराइज किया है, या अगर स्कूल बंद रहता है किसी जगह तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है, टीचर बीमार हो जाता है या टीचर की कोई BLO वगैरह की इस तरह की कोई ड्यूटी लगती है, तो वो फौरी तौर पे अपनी सतह पे जो है आसपास के जो स्कूल हैं जो उसकी जुरिडिक्शन में है वो फटाफट या खुद आए या किसी दूसरे टीचर को डिप्यूट करें, ताकि बच्चों का जो है नुकसान ना हो और स्कूल जो है ठीक तरह से चल पाए।
तो इस बारे में जो है अगर टीचर अनऑथराइज्ड बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी इस टीचर के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि ये BLO है, तो अगर मुझे मालूम होता तो मैं कंसर्न इशू को उसी वक्त डायरेक्शन दे देता कि इस तरह से इशू है। तो चूंकि अगर एक टीचर BLO है तो दूसरा टीचर तो मौजूद है हमारा, लेकिन वो भी बैठा है आज, तो हम यकीन नहीं। MDM के हवाले से बताया जा रहा है कि MDM यहाँ पे खाया जा रहा है, वो नहीं देते दे यहाँ पे। मैं अभी बताया, हमारी कुक ने भी बताया कि बीच बीच में कहीं कोई इश्यूज होते हैं तो उसमें भी बस हम सीरियसली ले लेंगे, क्योंकि हमने जो है पैसे सारे इनको दिए हैं, कुक उसको भी पैसे दिए हैं, MDM के इंग्रेडिएंट चार्जेस जो है वो भी दिए हैं, और अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो ये टॉलरेट नहीं होगी हमसे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जरूर इसमें भी एक्शन ले लेंगे। अब क्या एक्शन लिया जाएगा? मेरी नॉलेज में पहले से आया होता कि कहीं बीच में इन्होंने नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, ये देना है, बच्चे का हक है, बच्चा खाना चाहिए, खाना इसका हक बनता है, MDM इसी के लिए है कि ये इसको ये पोषण मिलना चाहिए, तो इंशाल्लाह इसको हम इंश्योर करेंगे दोबारा ऐसी शिकायत नहीं होगी। हम रिकमेंड करेंगे चीफ एजुकेशन अफसर को जी बजा पैस में कार्य करवाई।